अस्सलाम वालेकुम। अम्यूजर स्टूडियो में हमारी आज की मंजिल होगी स्वेक लेक, जिसे खंडोवा लेक भी कहते हैं। स्वेक लेक डिस्ट्रिक्ट चकवाल खंडोवा गांव में वाकया है। फैसलाबाद और इस्लामाबाद से आप M2 मोटरवे के जरिए कलर का हार इंटरचेंज उतरेंगे। कलर का हार इंटरचेंज से खंडोवा गांव का फासला 8 किलोमीटर है, जहाँ से आप 2 किलोमीटर जीप का सफर तय करके स्वेक लेक पहुँचेंगे। जी व्यूअर्स, तो आज का जो हमारा ये एपिसोड होगा वो होगा स्वेक लेक पे। तो अभी हम गाड़ी का जो पाथ है वो हमने कवर कर लिया है कलर का हार से उतरते। M2 मोटरवे से अगर आप उतरें तो कलर का हार से तकरीबन ये आपको 12 या 13 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने जो कार का जो ट्रैक है वो कवर कर लिया, इसके बाद जो अब हम जाएंगे वो इस जीप में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जितना पाथ है वो 15-20 मिनट का जीप का पाथ है और उसके बाद तकरीबन 12 या 15 मिनट की ट्रैकिंग है। तो चले आएँ, आज का ये दिलचस्प एपिसोड शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत स्वेक लेक। तो हमने इनमें से एक जीप करवा ली है, तो चले आएँ आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी हमारा जीप का जो ट्रैक है वो हो चुका है, उसके बाद अभी नीचे हमें जाना पड़ेगा लेक की तरफ। और सबसे मज़ेदार इधर जो चीज़ है कि यहाँ पे ये देखें, ये कोयले की कान है जहाँ से ये कोयला निकलता है। ये बहुत बड़ी ही ज़बरदस्त, मतलब यहाँ पे एक नई चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ से देखें कोयला निकलता है। और ये पाकिस्तान में इतनी मादनियात हैं कि इसलिए पाकिस्तानी इस चीज़ों से बहुत माला माल है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। अब नीचे जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे जाते हैं। तो चले आज अपना सफ़र यहाँ से हम ट्रैकिंग का शुरू करते हैं।
और ये सारा पाथ जो है अभी जंगल में से है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें चढ़ाई नहीं है, कोई पथरीला रास्ता नहीं है, सारा सिंपल पाथ है ये वाला। तो क्या ख्याल है फैजान साहब आपका इस बारे में, ये आपका पहला विजिट है पाकिस्तान में ये स्वेक लेक का? स्वेक लेक का, हाँ स्वेक लेक का मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे मुझे जो जीप का ट्रैक है वो बड़ा अच्छा लगा। मुझे वो याद आ गया जब मैं शोंटर वैली गया था, हमने कश्मीर का टूर किया था बाइक पे, वो मेरी थोड़ी मेमोरी जो है वो ताज़ा हो गई, उसकी यादें ताज़ा हो गई, बहुत मज़ा आया था। वो भी सीधी सीधी चढ़ाइयाँ थी उसकी जीप पे। चले आगे चलते हैं, मतलब हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक फैमिली गुजरी थी, उन्होंने हमें बताया कि आप बिल्कुल लेक के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि सूरज जो है पहाड़ों की दूसरी जानब से थोड़ा सा और नीचे चला गया, तो बिल्कुल नहीं दे रहा होगा। तो चले हम आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हम जैसों के लिए आसानी के लिए देखें पूरा एक पाथ बनाया कि ये देखें ये झील इस तरफ है, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके, इसी पाथ को हम फॉलो करते करते आगे जाएंगे। ये हम स्वेक लेक, बहुत ही खूबसूरत एक छुपी सी लेक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये कलर कहार की वादियों में ये बहुत ही खूबसूरत लेक आप देख सकते हैं, और ये पानी का जो ये आबशार है ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। इस टाइम मैं स्वेक लेक, जो कि एक छोटी सी लेक है, छोटी सी झील है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये झील। अभी कैमरे की आंख में मैं इसको कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं खुद इसको देख सकता हूँ वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये बहुत ही खूबसूरत कलर का हर की वादियों में ये खूबसूरत लेक है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने ये देखें ये सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है, लाइफ जैकेट भी आप पहन सकते हैं, यहाँ पे आप खाने पीने की आपको यहाँ पे चीज़ें भी मिल सकती हैं, ठीक है। और जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, और जो बोटिंग के चार्जेस ये कहते हैं कि 150 पर पर्सन यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस हैं। आप यहाँ पे छोटी सी लेक है, इसको करीब जाके वो आबशार छोटी सी वो वहाँ से करीब जाके आप इसकी जो लुत्फ ले सकते हैं, आप ये बोटिंग का सफ़र तय करके। जी व्यूअर्स, ये हमारे दोस्त हैं हमारे पास, इनकी ये बोट है,
जो यहाँ पे ये बोटिंग करवाते हैं, तो अब इनसे पूछेंगे कि क्या बोटिंग सेफ भी है, क्योंकि लोग डरते हैं, कहते हैं कभी हमने ट्राई नहीं किया, तो इनसे ज़रा पूछेंगे। तो जी भाई, ये बोटिंग सेफ है, मतलब ज़्यादा गहरी तो नहीं है ये झील? पानी तो गहरा है, 10-15 फुट गहरा पानी है, लेकिन फिर हम लोग लाइफ जैकेट वगैरह पहना के कुछ भी साथ होते हैं। अच्छा, लाइफ जैकेट बाहर भी सारे स्विमर बैठे होते हैं, और कोई मसला हो तो हम लोग यहीं जाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब कितनी पुरानी है झील, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका नहीं पता, लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो ये तो कहना मुश्किल है कि ये कब से है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये मतलब कि बहुत पहले से चलती आ रही है। तो लोग जो है 2014-15 में आना शुरू हुआ, 2014-15 में लोग आने शुरू हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप जब भी आएँ हमारे भाई की के साथ बोटिंग करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये देखें, ये ताज़ा पानी, यहाँ से आप पानी भर के पी सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ पानी है पीने के लिए, जो सीधा इस लेक में जा रहा है। यहाँ के जो रिहायशी, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं ये पानी आप यहाँ से पी सकते हैं, जो पानी बिल्कुल लेक में यहाँ पे जा रहा है, और यही साफ़ पानी लेक का जो नीचे आबादी में जा रहा है, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसको। तो चले हम भी इसको भर के पी के देखते हैं। वाह, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें दी हैं, लेकिन पानी सबसे ही ज़बरदस्त नेमत है। और इस तरह का ताज़ा पानी जो पहाड़ों के नीचे से चश्मा की सूरत में आता है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि लेक में जाएं तो खाने पीने के कोई खाने पीने की भी चीज़ें, और यहाँ से ताज़ा पानी भी आप पी सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड स्वेक लेक का, वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा आपको ये अच्छा लगा? तो उसके लिए आपको अम्यूज़र स्टूडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी वीडियो पे लाइक करना पड़ेगा, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, कलर का हार मोटरवे से उतर कर 2 किलोमीटर पर ये एक होटल वाक़ है, जिसका नाम है जहाल चकियाँ की मशहूर दाल। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कटास, राज मंदिर या स्वेक लेक जाएँ, तो यहाँ से इनकी दाल ज़रूर टेस्ट करके जाएँ, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त, और ये देसी घी में ये दाल बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी दाल है। चले आएँ, मैंने तो बहुत सुना है इस बारे में, तो चले आएँ इनकी दाल ज़रा यहाँ पर टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल है, दाल चना और दाल मूंग इन्होंने देसी घी में बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त का जायका है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस खाना लाजमी टेस्ट करके निकलें। थैंक यू।